नमस्कार दोस्तों, पैन कार्ड करेक्शन ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सेकेंड पार्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट कल मैंने अपलोड किए थे। आप अगर नहीं देखे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हो, नहीं तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो, वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो समझने में आपको दिक्कत हो सकते है। पैन कार्ड करेक्शन करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, मैंने कल आपको बताए थे, जिसमें मैंने दिखाए थे NSDL ऑफिशियल वेबसाइट अर्थात लॉगिन मैनेजर से आप पैन कार्ड करेक्शन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो अर्थात अकाउंट नॉलेजमेंट नंबर जनरेट कर सकते हो। आप अगर नहीं देखे हो वो वीडियो पहले देख लो, फिर इस वीडियो को अगर देख लीजिए। अभी सेकेंड स्टेप में मैं आप लोगों को कस्टमर का जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे अपलोड करेंगे और जो कस्टमर का फोटो और सिग्नेचर है वो कैसे क्रॉपिंग करेंगे, इसके बारे में डिटेल्स के साथ बताऊंगा। मेरे पास जो कस्टमर का फॉर्म डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सारे कुछ अपलोड करूंगा। अपलोड करने के लिए स्टील सिटी का जो एक सॉफ्टवेयर है SCSL FPU, आप अगर स्टील सिटी से ब्रांच आईडी लिए हो तो आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है, तो ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए और अपने बैक ऑफिस के आईडी पासवर्ड, बैक ऑफिस से कोई भी 01 02 03 कोई भी आईडी पासवर्ड से अपन लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते ही देखिए आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, तो उससे पहले देखिए यूजर टाइप पैन, उसके बाद अकाउंट नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा जो मैं अभी यहाँ पर फिल कर दूंगा। उसके बाद साइड में देखिए गो ऑप्शन है, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के तुरंत देखिए डिवाइस सेटिंग, यहाँ पर नीचे प्रिंटर आ गया है। आपको बता दू ये सॉफ्टवेयर ओपन करने से पहले आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में प्रिंटर को कनेक्ट कर लीजिए, अगर कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपके साथ दिक्कत हो सकते है, यहाँ पर प्रिंटर का ऑप्शन नहीं आ सकते, इसलिए पहले आप प्रिंटर का कनेक्शन करेंगे, फिर आप SCSL FPU जो सॉफ्टवेयर है जो मैंने ओपन किया वो ओपन कीजिए, ठीक है। फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। अभी मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाऊंगा। फर्स्ट अकाउंट नॉलेजमेंट स्लिप को स्कैन करना पड़ेगा जो हमने कल अकाउंट नॉलेजमेंट जनरेट किए हैं। सबसे पहले अकाउंट नॉलेजमेंट स्कैन कर लेते हैं, स्कैन हो रही है, स्कैन हो गया है। अभी सेकंड में कस्टमर का फॉर्म जहां पर हमने कस्टमर का फोटो लगाया है, सिग्नेचर लिए है और बाकी का डिटेल्स फिलअप किया है, वो वाला फॉर्म अभी यहाँ पर स्कैन करना है। दोस्तों एक बात बता दूं, देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ पर काम हो रही है, एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हो और जस्ट स्कैन कर रहे हो, आपको कोई PDF फाइल बनाना नहीं पड़ रही है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करना पड़ रही है, बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर काम कर पाओगे, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ, फॉर्म भी स्कैन हो गया है। अभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो हमने लिए थे कस्टमर से, आधार कार्ड वो स्कैन करेंगे, आधार कार्ड भी स्कैन हो गया है। अभी बचा क्या है, कस्टमर का पैन कार्ड, जो पुराना वाला पैन कार्ड है जो कनेक्शन करेगा वही वाला जो पुराना पैन कार्ड है उसको स्कैन करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कस्टमर का जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेंगे उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप कस्टमर के सिग्नेचर भी कर लेंगे, ठीक है। स्कैन कर रही है, स्कैन हो गया है, स्कैनिंग कंप्लीट। अभी और स्कैन करने के लिए कुछ नहीं है, अभी नो में क्लिक करेंगे। नो में क्लिक करते ही राइट साइड में देखिए, राइट साइड में एक अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए देखिए अपलोड फाइल, देखिए यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, अपलोड कर देंगे इजीली अपलोड हो जाएगा, आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर कुछ गलती कर देते हो स्कैन करने में तो यहाँ पर देखिए पेज है, पेज में उसके बाद नीचे डिलीट इमेज भी ऑप्शन है, डिलीट करके फिर से आप स्कैन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपलोड फाइल में क्लिक कर दिया, अपलोड सक्सेसफुल हो गया है, अभी इसका कोई काम नहीं है, इसको अभी क्लोज कर देंगे। देख कितना आसानी से मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, मुझे कोई PDF फाइल बनाने की जरूरत ही नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीट हो गया है। अभी कस्टमर का जो फोटो और सिग्नेचर है उसको कॉपिंग करना है, क्योंकि डाटा एंट्री करते वक्त हमें फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर है भाई, टेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको ये सोचने का जरूरत नहीं है कि इतना KB में रखना पड़ेगा उतना KB में रखना पड़ेगा। देखिए स्कैनिंग एंड क्रॉपिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसके मदद से आप बहुत ही आसानी से फोटो और सिग्नेचर को क्रॉप कर सकते हो। उससे पहले हमने जिस फॉर्म में कस्टमर से फोटो और सिग्नेचर लगा कर लिया है वो फॉर्म को स्कैन करना पड़ेगा।
उस फॉर्म को आप कलर कॉपी में स्कैन कीजिए, मैं भी कलर कॉपी में स्कैन करूंगा। जो पेज साइज होगा वो A4 में रखिए, और जो रेजोल्यूशन होगा वो 200 dpi में रखिए, 200 dpi उससे ज्यादा मत कीजिए, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। 200 dpi या उससे कम 150 dpi में भी आप स्कैन कर सकते हो। तो कलर कॉपी में अभी हम स्कैन करेंगे, ध्यान रखेंगे कि कलर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, इसलिए कलर में स्कैन करना है। तो ध्यान से आप ये चीज कीजिए तो दिक्कत नहीं आएगा, ऐसे ही कुछ भी करेंगे तो दिक्कत आ सकता है। देखिए स्कैन में अभी मैं क्लिक किया, स्कैन हो रही है, स्कैनिंग कंप्लीट हो गया है, फाइल भी फोल्डर में आ गया है। तो स्कैन जो फाइल है इसको अभी हम हमारा आसानी के लिए फोल्डर में लेकर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा भाई, यहाँ पर और भी बहुत सारा फाइल है, स्पेशली पैन कार्ड के लिए हमारा जो फोल्डर है उस फोल्डर में मैं रखूंगा। और इस फाइल नेम को भी चेंज करना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा वो भी दिखा दूंगा। तो पहले मैं फोल्डर में रख लेता हूँ, देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर्म मेरा जो स्पेशली फोल्डर बनाया हुआ है। अब अगर स्कैनिंग एंड क्रॉपिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपको भी ऐसे कुछ फोल्डर मिला है, वहाँ पर जगह रख सकते हो। अभी देखिए फाइल, फाइल का नेम जो है वो रीनेम करना पड़ेगा, रीनेम में क्या देना पड़ेगा, अकाउंट नॉलेजमेंट नंबर, और कुछ मत दीजिए। आप जो अकाउंट नॉलेजमेंट ज्वाइंट किए हो वही अकाउंट नॉलेजमेंट नंबर इस फाइल में दीजिए, ठीक है। अभी ये सब क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद स्कैनिंग एंड क्रॉपिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिए है। आपके फोल्डर में जो सीरियल नंबर है उसके हिसाब से आप यहाँ पर बैच नंबर दे सकते हो। उसके बाद ब्राउजर या से उस फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो हमने फोल्डर में रखा है, देखिए आ गया है। अभी यहाँ पर क्रॉप फोटो इस ऑप्शन में क्लिक करके फोटो क्रॉप कर लेना है, देखिए ध्यान से कीजिए जिससे कि फोटो का इधर उधर काट मत हो जाए, अच्छा से दिखने के लिए मिल जाए फोटो। देखिए मैं जिस तरीके से लिया बहुत ही अच्छा से दिख रही है। अभी नीचे क्रॉप सिग्नेचर, इसमें क्लिक करके सिग्नेचर को भी क्रॉप कर लेंगे। फोटो और सिग्नेचर बहुत ही आसानी से हमने क्रॉप कर लिए, अभी सेव कर लेंगे। सेव करते ही तुरंत ही सेव हो जाएगा। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि जहां पर मैंने आप लोगों को दिखाया कि फॉर्म रखा है वहां पर देखिए एक एक्स्ट्रा फोल्डर हुआ है, जो बैच नंबर में दिया हूँ उसके हिसाब से फोल्डर हुआ है, और देखिए कस्टमर का फोटो और सिग्नेचर क्रॉप होकर आया है। अभी यहाँ पर मुझे कोई ऐसा झंझट नहीं झेलना पड़ेगा भाई, इतना के भी उतना के भी भाई, इजी है, सॉफ्टवेयर से करेंगे तो बहुत आसान है, ठीक है। अभी जो एक स्टेप बाकी है जो थर्ड पार्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बैक ऑफिस में डाटा एंट्री, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो वीडियो कल या परसों आ जाएगा।